हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर। और ये है दीक्षा ऐप। दीक्षा में हमारा चल रहा है निष्ठा की ट्रेनिंग टीचर्स की। और अगर आप टीचर्स हैं, ये वाली ट्रेनिंग कर रहे हैं दिल्ली शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में आईसीटी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, और अगर इंग्लिश में बात करें तो डीएल इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट, यानी कि कोर्स नंबर ये 5 वाला है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं, राइट आंसर जो भी क्या है इसके 10 में से 10 आपके मार्क्स आ जाएंगे। आराम से आप पूरी वीडियो जल्दी जल्दी चला लीजिए, लेकिन जो आंसर है वो यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। हमारी जो ट्रेनिंग है वो 94% कंप्लीट हो गई है, और इसके बाद हमारे पास बचा हुआ है प्रश्नोत्तरी यानी कि क्विज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे जो हमारे वो ग्रीन टिक हो गए हैं। अब उसके बाद क्या बचता है, हमारे पास क्वेश्चन बचते हैं जो हमारा क्विज है, और उसके बाद हेल्प डेस्क, और इसके बाद हमारा जो है वो डन हो जाता है पूरा कंप्लीट। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको ले चलता हूँ। इसके लिए आप जो है पूरी वीडियो जरूर देखिए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और यहाँ पर हम सीखना जारी रखें, मैं क्लिक करते हैं। तो चलिए यहाँ पर जैसे मैं क्लिक किया तो ये एक नया जो पेज हमारे पास ओपन हो जाता है, लोडिंग योर कंटेंट प्रश्नोत्तरी यानी कि क्विज। तो क्या इसके सही आंसर हैं इस वीडियो में, थोड़ा सा लोडिंग में ये समय ले सकता है। तो पहला सवाल है, ई सामग्री निर्माण के निशुल्क एवं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मंच है। तो इसके 4 ऑप्शन है, H5P, सभी स्क्रेच या ऑडिसिटी और ओपन शॉर्ट वीडियो एडिटर। तो इसका क्या आंसर होता है, थोड़ा सा आप अपना लॉजिक अपना दिमाग भी लगाएंगे, और उसके बाद सही आंसर तो आपको मिलने वाला ही है। तो इसका सही आंसर आप सभी पे क्लिक कर देंगे तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए मैं क्लिक कर लेता हूं, और इसके बाद जो आपके राइट आंसर हैं 10 में से 10 वो आपको लास्ट में ही मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि सही नहीं है कौन सा, तो वो आपने बताना है। फ्री माइंड का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो ये वाला आपका क्वेश्चन रहेगा। फ्री माइंड और फ्री प्लेन माइंड मैपिंग के निःशुल्क शैक्षिक सॉफ्टवेयर जो है, जिनका पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा ऑप्शन भी इसका नीचे है। तो आपके चारों ऑप्शन में से थोड़ा सा आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसका सही आंसर है, तो इसका सही आंसर आप इस पे लगा दीजिए, बी वाले पे। ओपन शॉर्ट वीडियो एडिटर इज फ्री प्रोग्रामिंग ऑनलाइन सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग गेम्स, तो आप इस पे आप क्लिक कर देंगे बी वाले पे। तो इसका हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, ई पाठशाला इज हर समय और हर जगह पर निःशुल्क उपलब्ध, सभी शैक्षिक ई संसाधनों जैसे पाठ्य पुस्तकें, ऑडियो वीडियो, पत्र पत्रिका और प्रिंट और नॉन प्रिंट किस्म के शैक्षिक ई संसाधनों का प्रसार, एक वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप जो छात्रों, शिक्षकों, माता पिता, शोधकर्ताओं के लिए शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराता है, या सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, व्हाट इज ई पाठशाला इज। तो इसका सही आंसर आपने सोच लिया होगा, इसका सही आंसर है सभी पे आप क्लिक कर दीजिए तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ए फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज क्या, जिसे उपयोग करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है, स्वामित्व यानी कि प्रॉपर्टी वाले सॉफ्टवेयर कोई भी नहीं, या को जिसे कॉपीराइट धारक से पुनः उपयोग और पुनः वितरण की अनुमति की आवश्यकता होती है, एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है, चलिए तो आपने इसका आंसर देख लिया होगा। फ्री का मतलब होता है बिल्कुल फ्री, लेकिन ये भी आपको फ्री नहीं लग रहा है, ये भी यहाँ पर फ्री भी नहीं लग रहा है, इसमें भी आपको फ्री नहीं दिख रहा है क्योंकि अनुमति लेनी है, यहाँ पर भी आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ रही है। तो यहाँ इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन। तो इसका नन ऑप्शन है, और इस पर क्लिक कर दीजिए। अगले ऑप्शन सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ICT समेकित शिक्षण के लिए विषय वस्तु विश्लेषण की क्या आवश्यकता है, तो ये आप ऑप्शन देख सकते हैं, सीखने के परिणामों को प्राप्त करने और उनका आकलन करने के लिए उन अवधारणों पर जोर दे जहां ICT को एकीकृत किया जा सकता है,
सभी आईसीटी उपकरणों का उपयोग करके कक्षा में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन या विभिन्न आईसीटी उपकरणों का प्रयोग करके शिक्षण दृष्टिकोण या विधियों की योजना। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और एंड में इसके आंसर 10 में से 10 देखने के बाद अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। तो इसका सही आंसर आप क्लिक कर देंगे सभी पे, तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसके जो क्वेश्चंस है वो भी नोट करते जाइए, क्योंकि बाद में आपने अपना भी इसे सही करना है। तो अगला सवाल है आपके लिए, ओपन एजुकेशन रिसोर्स क्या है, OER? तो इसका सही आंसर हो सकता है, ये बड़े बड़े थोड़ा सा आंसर आपको ऑप्शन बड़े बड़े हैं, तो अभी इन्हें पढ़ लीजिए, क्योंकि मेरे पढ़ने से पहले आप इसे समझ सकते हैं। चलिए मैं पढ़ लेता हूँ। शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन के लिए उपयोगी स्वतंत्र रूप से उपलब्ध खुलेआम लाइसेंस प्राप्त सामग्री और मीडिया। दूसरा है NROER, यानी कि सुलभ स्कूल विषय अवधारणा आधारित एक पुस्तकालय, जिसमें ऑडियो वीडियो सीखने की वस्तुएं, चित्र, प्रश्न बैंक, गतिविधियां, प्रस्तुतियां हैं जिन्हें डाउनलोड और साझा किया जा सकता है, जिन पर टिप्पणी भी की जा सकती है। तीसरा है यह पूर्ण पाठ्यक्रम सामग्री, मॉड्यूल, पाठ्यपुस्तक, स्ट्रीमिंग वीडियो सॉफ्टवेयर और कोई भी अन्य उपकरण सामग्री या तकनीक का समावेश है जो ज्ञान के अधिगमन में मदद करता है। और चौथा है सभी। तो एक बार आप इन्हें फिर से देख लीजिए, मैं तीनों दिखा देता हूं आपको और नीचे वाला तो सभी है ही, थोड़ा सा टाइम लगाइए। तो चलिए इसका सही आंसर है सबसे लास्ट वाला, सभी, क्योंकि ये सभी कंटेंट जो हैं उसमें आते हैं। और अगला देखो, ई सामग्री है। ई सामग्री क्या है? ई कंटेंट इज रिपोजिटरी और वेब पोर्टल जैसे NROER, ई पाठशाला, साक्षात उलाप आदि से प्राप्त सामग्री, सूचना की जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, कंप्यूटर, संगणक, जाल तंत्र जैसे इंटरनेट द्वारा उपलब्ध कराई जाए, सभी। तीसरा ऑप्शन है सभी। और चौथा है डिजिटल टेक्स्ट, चित्र, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, इंटरेक्टिव और सिमुलेशन के रूप में सामग्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा? NE कंटेंट इज, तो इसका सही आंसर आपने कर लिया होगा, सभी पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ICT कैसे अधिगम शिक्षण और मूल्यांकन में सहयोग देता है? पहला ऑप्शन आपका सभी है। दूसरा है दृश्य श्रव्य सहित बहु ज्ञानेन्द्रिया ग्रहणशील रणनीति प्रदान करता जिसमें अधिगम की वृद्धि होती है स्वयं निर्धारित। तीसरा है कि स्वयं निर्धारित गति से अधिगम और अवधारणा निर्माण को प्रोत्साहित करता है। चौथा अधिगम के संसाधनों का कहीं भी और कभी भी अधिगम का अवसर प्रदान करता है ICT में। तो इसका सही आंसर है, तो इसका भी बिल्कुल सभी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है और क्लिक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, ICT संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है। ICT डज नॉट रेफर टू सृजन यानी कि क्रिएशन, कल्पना यानी कि इमेजिन, पुनः प्राप्ति रिट्रीव और प्राप्त करना रिसीव, ICT से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर है सी वाला, इसका सॉरी बी वाला है, इमेजिन यानी कि कल्पना करना, बाकी तीनों हैं। तो चलिए क्लिक कर देते हैं अगले, देखो अधिगम और शिक्षण के लिए ICT क्यों महत्वपूर्ण है? गुणवत्ता में सुधार के लिए, पारंपरिक विधि में बदलाव के लिए, सभी या शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए। क्या इसका आंसर सही होता है? Why is ICT important for teaching and learning? तो इसका भी बिल्कुल आप ऑल पे क्लिक कर देंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा सी वाले पे। और आप यहां पर देख सकते हैं हमारे क्वेश्चन 10, अटेम्प्ट 10। तो यहां पर हम रिव्यू देख लेते हैं, क्योंकि आपको देखना कितने आंसर सही आए हैं, और रिव्यू पे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे ये देख सकते हैं 10 में से 10 बिल्कुल सही मार्क्स है। तो बस आपने इसी तरह से क्लिक कर देने अपने आंसर और बढ़ जाइए नेक्स्ट पे। करने के बाद आपका जो टेस्ट है वो सबमिट हो चुका है और अब खुलने वाला आपके पास हेल्प डेस्क। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए और इस तरह से हमारा जो है वो ये वाला जो टेस्ट है यानी कि कोर्स है वो कंप्लीट हो गया। कांग्रेचुलेशन का मैसेज यहाँ पर आ चुका है, सर्टिफिकेट आपका बन जाएगा 7 से 10 दिन में।
तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए।